अमरोहा कलेक्ट्रेट में राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद के बैनर तले संस्था के तमाम कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान जिला अध्यक्ष एवं पत्रकार सोनू वर्मा ने बताया कि फतेहपुर के बिसौली में एएनआई के पत्रकार दिलीप सैनी की निर्मम हत्या कर दी गई। उधर हमीरपुर में सरीसा चेयरमैन के द्वारा पत्रकारों को नग्न करके पीटा गया। इन दोनों घटनाओं से अमरोहा इकाई के पत्रकारों में रोष है। साथ ही एक ज्ञापन राज्यपाल के नाम जिला अधिकारी निधि गुप्ता को सौंपा गया। साथ ही मांग उठाई गई कि मृतक के परिवार को 50 लाख का मुआवजा एक सरकारी नौकरी प्रदान की जाए। और साथ ही आए दिन हो रही इन घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाए। सिटीजन पोस्ट के लिए अमरोहा उत्तर प्रदेश से मोहम्मद अजीम की खास रिपोर्ट। जी बताइए, आज का लेटेस्ट क्या है? आज का जो ज्ञापन है, एक हमारे पत्रकार थे फतेहपुर स्थित बिसौली में एएनआई चैनल के, उनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। और सिरोली में जो है हमारे पत्रकार साथियों की पिटाई की गई थी। इसी संबंध में हमारे राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद के तहत इकाई अमरोहा के तहत एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को सौंपा गया है, जिसमें उन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई तथा मृतक परिवारजनों को 50 लाख रुपए का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी देने के लिए सरकार को जो है कहा गया है। और जो भी हमारे पत्रकारों के साथ जो अन्याय हो रहा है, उसके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा पत्रकार सुरक्षा परिषद चुप नहीं बैठेगा। पत्रकारों की आवाज़ जो दबाएगा, उसके लिए राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद संगठन हर वक्त खड़ा है।